श्रोतागण, एक बार फिर से हमारे चैनल हार्दिको स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन तीन लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना और इनसे कदापि विवाह मत करना, कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में कबूतर और कबूतरी का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। कबूतर ने कबूतरी से कहा कि हे प्रिय, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। कबूतरी कहने लगी, पियाजी ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब कबूतर कहता है कि हे प्रिय, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी है, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए वो स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। कबूतरी कहती है कि पियाजी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। कबूतर कहता है, नहीं प्रिय, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब कबूतरी कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूं। तब कबूतर है, ठीक है प्रिय, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी कबूतरी कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वो कबूतर कबूतरी को वह कहानी सुनाता है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में तीन दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीन दोस्त थे, तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपने पत्नी की बहुत याद आ रही है, इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाए। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोवोगे, लेकिन हम कहां जाएंगे। तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार के बात को सुन करके दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वो सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं, और चलते चलते तीन दिन इनके रास्ते में लग गई। और तीन दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर के पास में जब पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहां कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूं, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। कबूतर कहता है, हे प्रिय, राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहां खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगा, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे, हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुन करके वो बुढ़िया जो थी वो कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुके, इस सराय में आप रात ना गुजारे। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है
साहूकार के लड़का ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वो तैयार था। उतावला हो रहा था कि किसी ना किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार ले। मित्रों, इधर वो बुढ़िया समझाती रही लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वो अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वो साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वो अंदर चला गया और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम यानी हॉल जैसा एक कमरा था वो बहुत गहरा और लंबा था, उसमें वो सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वो कबूतर कबूतरी से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया। जो बहुत ही चालाक था वो चतुर था और समझदार था। बनिया का लड़का ने उसे रोका भी लेकिन वो नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वो बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा, इसका क्या कारण है बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना, मुझे डर है कि वो सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं माता, बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती जो है ये एक वैश्या है और नागिन है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ ये रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है, इसलिए हमको डर है क्योंकि जो भी गया वो जिंदा लौट करके नहीं आया, कबूतर कबूतरी से कहता है। बनिया का लड़का ये सुन करके घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था, वो तैयार हो गया और कहने लगा, माता लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ में लेटा हुआ था वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारे। दोस्तों, आंधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था, एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। दोस्तों, तब कबूतर कबूतरी से कहता है, वो बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहां जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि ये जा कहां रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था जिसने नागिन का वध किया था वो उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वो बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखे ये कहां जा रही। वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वो स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वो सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वो सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है, साधु कहने लगा। वो क्यों? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं, कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब ने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी, हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्सा में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वो पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वो बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था
और ये नजारा देख रहा था, उस बनिया के लड़का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत वे चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिपकर भीतर बैठ गया। अब वो सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो वो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर ये हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वो चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था, उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है, ये क्या है, यहां भी एक हत्या होने वाली है, हे प्रभु, ये हो क्या रहा है। दोस्तों, वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोच करके वो मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों क्या हुआ कि वो स्त्री जो थी, जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी, उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे, हमें शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा, क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और ये कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वो एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वो सारा वृतांत जान करके उसको कारागार में डाल देता है। तब कबूतर कबूतरी से कहता है, हे प्रिय, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जाकर के वे छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये चोर राजा के लड़की को पकड़ करके जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के छिप कर बैठ गया और इधर आंधी रात जब होती है तभी वो चोर राजा के लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली हैं, कितनी बढ़िया, हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरीके के बातें कुछ देर करते रहे, फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था वो राजा के लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहां पर मूर्ति थी वहां पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वो चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वहां तैयार ही बैठा हुआ था और वो चोर राजा के लड़की का सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़का ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार करके उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वो हमारा एक साथी गया है, वो लौट करके नहीं आया है, अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं चढ़ा पाई। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वो बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वो लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वो बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वो बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों ही बातों में वो लोग राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाव, ये हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था और ये हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा के लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था,
ये आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो ये आपके लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, ये सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था, वो दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़का को सराय वालों ने पकड़वा दिया, क्योंकि इसने एक वैश्या व सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वो भी वहां जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और वो राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया था, और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था, जिसने वैश्या का वध किया था, उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहां का रहने वाला है? तब वो लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूं। राजा कहने लगा, बता तूने वैश्य का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा? अब दोस्तों, उस साहूकार के लड़का को कुछ मालूम ही नहीं था जो वो राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वैश्या का वध किसने किया। वैश्या का वध साहूकार के लड़का ने किया नहीं था, जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उस वैश्या का वध क्यों किया? दोस्तों, तब वो साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वो कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वैश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वैश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात क्या है? तब दोस्तों, वो बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में, इसी साहूकार के लड़का के साथ में, पराये में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे, और एक बूढ़ी माँ ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वो सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्या को देखकर के रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि ये नागिन है, और ये नागिन का रूप में आकर के इसको डस लेती, इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए, जहां ये पलंग पर वैश्या के साथ सोया हुआ था, वही एक कोने में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही उस वैश्या ने रूप बदला और नागिन बन करके हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। दोस्तों, तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर के वही मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है। तो दोस्तों, राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। दोस्तों, राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वो राजकुमार, यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमार जो था, उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। अब दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था नाक किसने काटी है, वो भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है, कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। तब दोस्तों, वो बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज क्षमा करे, इसको भी नहीं मालूम, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है, नाक किसने काटी है वो सारा वीरतांत मैं आपको सुनाता हूं। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि ये लड़की साधु से प्रेम करती है, रात में साधु से मिलने के लिए गई, मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। ये सुन करके उस साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आ करके अपने पति को फंसा दिया, इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आ करके राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। दोस्तों, तब वो राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। दोस्तों, फिर कबूतर कहता है कि हे प्रिय, अब आई बारी उसी बनिया के लड़का की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिया के लड़का से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था, अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों, तब वो बनिया का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करे, ये आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है, आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे, मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी, क्योंकि मैं साधु को मार करके आया, और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है मैंने उसको मार दिया, दूसरा आता है उसको भी मार दिया, इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया।
और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों वही हुआ, सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थी। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है, इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपके लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की हम पर असत्य हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और उसने वही किया। बनिया के लड़के के बात को सुनकर के राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है, और तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वो बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है, और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वही रहने लगते हैं। तो दोस्तों अब वो कबूतर कहता है कि हे प्रिय, देख लिया इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियों नहीं मानती हैं। दोस्तों अपने पिया कबूतर की बात को सुन करके कबूतरी जो है वो चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है, हे मैना रानी, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मर जाना लेकिन इन तीन लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। कबूतर समझाता है कि तीन लक्षणों वाली स्त्रियां ये है, पहली वो जो पति होकर के भी पराये पति से हित करे और पराये पति से छुप छुप के मिलने के लिए जाए, अपने पति व्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े लेकिन वो कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को डस करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और कबूतर बोला, हे प्रिय, तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वो मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वे मददगार को ही झूठा फंसा दे और उसी मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करे और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या उसे कारागार में बंद करवा दे या उसे सजा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, किस वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुमारी मर जाना लेकिन इन तीन लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बच करके रहना, कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।